हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, आप सबका स्वागत है. यू आर वॉचिंग न्यूज एक्स. वी वुमेन वॉन्ट फेस्टिवल इन मुंबई एंड द शक्ति अवार्ड्स 2023. वी आर कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल वेन्यू इन मुंबई टुडे एंड ऑफकोर्स एट द जू होटल. द वेदर नाउ इज बिकमिंग एक्सट्रीमली नाइस एंड प्लेजेंट. और क्यों नहीं होगा मौसम सुहाना जब इतनी खूबसूरत शख्सियत हमारे संग अब मंच पे विराजमान है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियंका चहर चौधरी, वेल नोन एक्टर. थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू सो मच उदय फॉर इनवाइटिंग मी. पहले तो मैं आपको खूब शुभकामनाएं दूंगा, खूब बधाई दूंगा. दिस इज प्रियंका फर्स्ट बिग मीडिया मेन स्ट्रीम चैनल अवार्ड दैट शी इज गेटिंग टुडे, द न्यूज एक्स शक्ति अवार्ड फॉर बींग अ यूथ आईकॉन ट्रूली. सो कंग्रेचुलेशन, तालियों के गूंज से इनकी सराहना हो. थैंक यू सो मच. आई एम फीलिंग ग्रेट एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड गाइज, सो ऑफकोर्स मैं बहुत थोड़ा सा ऐसे नर्वस भी हो रही थी कि फाइनली आई एम गेटिंग अवार्ड. मैं ना थोड़ी ऐसे ही बात करूंगी, मैं ऐसे ही हूं, मतलब बहुत ही रियल, सो यू गाइज कैन कनेक्ट विद मी. ओके, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि फाइनली आई एम गेटिंग द अवार्ड. आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग ग्रेट. आई हैव टू आस्क यू कि आपको शक्ति कहां से मिलती है रोज जिंदगी में, क्योंकि शक्ति पुरस्कार है ये, शक्ति अवार्ड है ये. अगर सब जन देखे ना तो शक्ति आपके अंदर ही है, और मेरी शक्ति ना यहाँ और यहाँ है. I mean, ये जो कोऑर्डिनेशन जो मैं करती हूँ ना, ये मेरी शक्ति बन के आता है. और कुछ शक्ति जो मेरे घर वालों ने मुझे दी है, जिसे मैं आजादी का नाम दूंगी, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी आजादी दी है अपने हर चीज को खुलकर करने की, लाइफ के डिसीजंस लेने की, मुझे क्या करना है क्या नहीं करनी है. तो ये शक्ति मुझे टचवुड मेरे घर वालों से भी मिली है, और शायद यही शक्ति है जो मैं आज यहाँ पर हूँ. आई मस्ट टेल यू ऑल्सो कि यू आर बीइंग वॉच्ड राइट नाउ ऑन 12 चैनल्स ऑफ ITV नेटवर्क एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आर ऑल्सो वॉचिंग यू ऑनलाइन डिजिटली ऑन आर प्लेटफॉर्म. बट यू ऑल्सो आर नोन टू हैव योर ओन सोशल मीडिया आर्मी नाउ. एज देविका वॉज सेइंग, आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बीन बजिंग, व्हाट टाइम इज प्रियंका सेशन, व्हाट टाइम इज प्रियंका सेशन. तो ये सोशल मीडिया फॉलोइंग के बारे में आप क्या कहेंगे अबाउट यू नो दिस लीजन ऑफ फैंस दैट यू हैव ऑनलाइन? आई थिंक उदय, मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आजकल है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी उनके फैंस हैं, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं. तो यही प्लेटफॉर्म, अगर मैं मेरे प्लेटफॉर्म की बात करूं कि मेरे सोशल मीडिया पे मुझे इतने फैंस का प्यार मिला है, तो शायद कहीं ना कहीं जो चीज मैंने अभी भी कही थी कि मैं बहुत ही आम सी लड़की हूँ यार, मुझसे ना ऐसे कनेक्ट कर लें, वही मेरे लिए मैटर करता है कि यार नॉर्मल लोग, मैं आई कीप माई सेल्फ लाइक वेरी बेसिक एंड नॉर्मल. सो आई थिंक इसीलिए शायद लोगों को इतना ज्यादा, लोग इतना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतना प्यार मिल रहा है. तो आप कह रही हैं कि आप जितना ज्यादा रियल रह सकती हैं उतना रहती हैं असल जिंदगी में, इस वजह से रियल अवतार ऑफ प्रियंका गॉट सो मेनी फैंस ऑन अ रियल शो, रियलिटी शो बिग बॉस. एग्जैक्टली, और जितना हो सके उतना रियल नहीं, मैं बहुत ज्यादा रियल हूँ. ये कई बार मुझे लगता है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं मुझे, बट इट्स फाइन गाइज. यू आई थिंक सब अगर जेन्युइन और रियल रहे तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है. सो इट्स टोटली फाइन. समझने वाले समझेंगे, ना समझने वालों से फिर क्या ही फर्क पड़ेगा. यही अंदाज की वजह से प्रियंका के दोस्त तो बने बिग बॉस के घर में, मगर दुश्मन भी बने. मगर क्या आपको उम्मीद थी, यू नो व्हेन यू स्टार्टेड द जर्नी ऑफ बिग बॉस, कि आपका सफर इतना लंबा रहेगा कि यू वुड बी अ फाइनलिस्ट, यू वुड बी द रनर अप? In fact, for many, you were the winner of the trophy. And you were standing there with Salman Khan, with MC Stan, and you over there. Kya aapko umeed thi? Honestly, maine is baare mein pehle bhi zikr kiya hai, jab main Big Boss ke andar ja rahi thi, to मैं कभी भी उतना ज्यादा सोच के नहीं जाती, क्योंकि फिर आपको बुरा लगता है. तो आई वॉज लाइक कि पता नहीं है, चलो चल के देखते हैं, हो सकता है मैं पहले हफ्ते में ही बाहर आ जाऊं. सो मेंटली आई ऑलवेज प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट साइड. तो ये मेरा वर्स्ट साइड के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर रखा था. लेकिन अगर आप बात करें कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं शायद वहां तक पहुंचूंगी, सोचा नहीं था, पर कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा था कि मैं जिस तरह की लड़की हूं, आई थिंक लोग कनेक्ट कर सकेंगे, और शायद से मुझे प्यार भी मिलेगा, जो कि हुआ. टच वुड, जनता की जान बोला गया, एंड आई एम सो हैप्पी. सलमान सर ने काफी कुछ अच्छे शब्द मेरे लिए कहे, सो आई एम सो हैप्पी एंड
आई थिंक बिग बॉस मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है लाइफ का. मगर इतना कॉन्ट्रोवर्शियल शो है बिग बॉस और इतनी वहां लड़ाई होती है, मगर फिर भी आपने स्टैंड लिए. एम्पावरमेंट के विषय भी आपने वहां उठाए, एजुकेशन के विषय वहां उठाए, काफी सकारात्मक चर्चा आपने एक घर में की जहां काफी कुछ नकारात्मक भी होता है. या राइट. तो ये ना शुरुआत से ही मैं ऐसी हूं थोड़ी. मैं ना एक्चुअली टाइम के साथ मैं ज्यादा, मतलब कुछ भी मुझे, अगर मान लो कि यहां ये बैठे हैं, अगर मुझे इनकी कुछ भी एक आदत इतना जानती नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ भी चीज अच्छी लगी मैं वो अडेप्ट कर लेती हूं. तो विद टाइम आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन एंड टच वुड मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में शायद आई विल बिकम मोर बेटर. बट अगर उधर की बात करें कि तो ये आवाज उठाना और ये सब, यार मैं बिग बॉस घर के अंदर थी और क्योंकि अब घर के ही लोग हैं, सब परिवार की तरह हैं, तो अगर आज मेरे परिवार में भी कुछ गलत होगा मैं डेफिनेटली आवाज उठाऊंगी. और आई थिंक मैं ऐसी ही हूं और शायद से, मतलब पापा ने बढ़ाया पाला, क्या बोलते हैं, पाला पोसा भी ऐसे ही है. सो यस, आवाज उठाने में मैं कभी नहीं कतराई. जहां पर आप सही हो आवाज उठा दो. मैं तो कहती हूँ अगर सही भी नहीं हो ना तो भी आवाज उठा दो, आपको आपकी गलती पता लग जाएगी, पर आवाज तो उठाओ. अब थोड़ा आपके सफर के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज आपको ये पुरस्कार मिल रहा है फॉर बीइंग अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर जर्नी, बिकॉज आई एम श्योर दैट विल बी एन इंस्पिरेशन. बहुत प्रेरणा मिलेगी बहुत सारी नौजवान लड़कियों को जो यहाँ इस वक्त विराजमान है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा इतनी बड़ी संख्या में. आपका सफर कैसे शुरू हुआ, ये कीड़ा एक्टिंग का, ग्लैमर की दुनिया का कब इसने आपको काटा, और सफर जयपुर से मुंबई का कैसे रहा? ये जो एक्टिंग के कीड़े की बात कर रहे हैं ना, ये कीड़ा मुझे पता भी नहीं था, मेरे अंदर कोई ऐसा कीड़ा नहीं था गाइस. मतलब मेरी फैमिली जो है वो आर्मी से हैं, जैसा कि अभी तक शायद सबको पता लग गया होगा. तो फिर से एक बार चलो बताती हूँ. तो आर्मी से हैं पापा, मतलब हमारे दादा चाचा सब आर्मी से ही हैं, मेरे भाई बहन सब आर्मी में हैं. तो मेरा इस एक्टिंग के कीड़े को, मतलब वो खुद नहीं पनपा है, वो मैं ग्रेजुअली इस चीज में आई हूँ. बिकॉज द टाइम आई पास्ड माई 12th क्लास, पापा रिटायर हो गए थे, बड़ा परिवार था और पापा सोल्जर थे. पापा को इतना, मतलब इतना पेंशन नहीं था, जिसमें चार चार लड़कियां हैं हम, और चारों, मतलब पापा मेरे प्राउड पापा हैं अभी. तो हम चार लड़कियां, दो भाई हैं, जिसमें से इतना खर्चा पानी, बेटियों की शादी करो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, इतना नहीं खर्चा उठा सकते थे. तो पापा ने मुझे कहा, मतलब मुझे नहीं सबको बैठा के कहा कि बेटा लगता है गांव जाना पड़ेगा. और आई वॉज लाइक, गांव जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि शायद मेरे सपने और कुछ थे, मतलब मैं हमेशा से बहुत ही क्रिएटिवली कुछ करना चाहती हूँ या कुछ अलग, पता नहीं लगता है कि कुछ अलग करूंगी, तो बचपन से ऐसी रही हूँ. तो मुझे टेंशन हो गई कि अगर वहां गए तो, मतलब पता नहीं कैसा पढ़ाई लिखाई होगा, पता नहीं है कैसा क्या रहेगा. मुझे लगा कि तुझे ही कुछ करना पड़ेगा बेटा. तो तब मैंने जॉब सर्च करनी शुरू की टू हेल्प माई फैमिली, कि फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी तो शायद फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल हो जाए कि यहीं पर ही बच्चों की पढ़ाई हो जाए. सो लकीली मुझे जॉब नहीं करनी पड़ी. मुझे इवेंट ऑफर हुआ था एंकरिंग का, तो मैंने एंकरिंग शुरू कर दी. दैट्स हाउ आई एंटर्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम एंकरिंग से था. उसके बाद एंकरिंग से टच वुड काफी अच्छा रहा एंकरिंग का मेरा सफर, और काफी फाइनेंशियली हेल्प भी हो गई. एंड फाइनली वी वर इन जयपुर. हम गांव नहीं गए, वो प्लान ड्रॉप हो गया था, तो जो मैं चाहती थी वो हो ही गया. देन भाई बहनों, मेरी बड़ी बहन भी पढ़ रही थी, मेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे थे, सो एवरीबडी वॉज स्टडिंग. उनकी फाइनेंशियली, पापा को बेसिकली फाइनेंशियली हेल्प हो गई थी. सो ये देखिए कि एक बेटी ने पापा को और परिवार को फाइनेंशियली हेल्प किया. लेकिन इसका क्रेडिट मैं कहीं ना कहीं पापा को भी देना चाहूंगी, क्योंकि अगर पापा मुझे अलाउ नहीं करते ना तो शायद से मैं आती भी नहीं. क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा आर्मी या गवर्नमेंट सेक्टर, पापा के वर्ड होते कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो पापा हमेशा बोलते नहीं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना. बट पापा को मैंने, मुझे आज भी याद है, छत पे हम बैठे थे और मैं पापा से परमिशन लेने जा रही थी कि पापा एक एंकरिंग का ऐसे ऐसे इवेंट आया, मैं कर लूं क्या? तो पापा ने मना कर दिया था. बट देन मैंने पापा को, मुझे आज भी वो लाइन याद है कि पापा ने बोला नहीं,
इस लाइन में नहीं जाना, ये नहीं, पता नहीं है, हम में से कोई जानता भी नहीं। तो मुझे, मैंने एक ही लाइन कही थी कि पापा आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना, तो बस वो भरोसा रखो, वो भरोसा कभी नहीं टूटेगा। और वही भरोसा लेकर मैं चली हूँ वहां से। और जब मैं एंकरिंग में आ गई थी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा कदम रखा गया। उसके बाद में एक्टिंग का ऑडिशन कुछ दिया मैंने, देन आई गॉट सेलेक्टेड देयर। तो इस तरह से सफर शुरू हुआ, जिसके लिए मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी, या मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे इतने लोग ऐसे जानेंगे। सो आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा या मेरी फैमिली, इन सबका मुझे इतना सपोर्ट मिला। एंड प्लस इतना अच्छा उन्होंने परवरिश दिया कि जो बिग बॉस में भी आपने कहा कि मैं आवाज उठाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको आवाज उठा लेनी चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। तो आई थिंक यही कुछ नक्शे कदम पर मैं चलती आ रही हूँ और इसी रास्ते पर मैं हूँ, और होपफुली ऐसे ही रहूँ, ऐसे ही प्यार मिलता रहे। जी बिल्कुल, टीवी में शुरुआत आपने की, टेलीविजन की दुनिया में, तो वो पहला ब्रेक मिलना कितना मुश्किल था? अच्छा, उसकी भी एक स्टोरी है। तो मैं हताश होकर चली गई थी वापस जयपुर कि तेरा बेटा कुछ नहीं हो रहा है, आप चलो जयपुर, क्योंकि एक्टिंग में कुछ कुछ मिल रहा था, बट थोड़ा बहुत ऐसे छोटा मोटा कैरेक्टर मिल गया, वो सब मैं प्ले कर रही थी। बट आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं, मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। बट देन अगेन, एज आई टोल्ड यू कि मैं वर्स्ट और बेस्ट साइड दोनों के लिए प्रिपेयर रहती हूँ, तो आई वॉज लाइक शायद नहीं, दिस इज नॉट योर थिंग, शायद तू नहीं है इतनी अच्छी एक्ट्रेस, तो लेट्स गो बैक टू जयपुर, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं मेकअप शुरू करती हूँ क्योंकि मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ। तो आई शिफ्टेड टू जयपुर। उसके एक महीने बाद ही मुझे उडारिया का कॉल आया था फॉर ऑडिशन। आई गेव द ऑडिशन, आई क्रैक्ड इट, एंड आई वॉज लाइक ऊ, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था फ्रॉम उडारिया। तो उडारिया में मुझे भी लगा कि अच्छा, तुझे ऐसे ही डाउट था कि तू एक्टिंग अच्छी नहीं करती है, यू आर अ गुड एक्ट्रेस, बट वो चांस मिलने की देरी थी। सो ही इज ऑलवेज देयर, ही इज वॉचिंग यू। जब आप काबिल बनोगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, आपको वो मिल जाएगा। तो यही सोच के फिर मैंने, हाँ, उडारिया मेरा हुआ, एंड देन उड़ान भर ली आपने। फिर मैंने उड़ान भर ली। मैं परसों ही आपके प्रोड्यूसर से मिला था, रवि डूबे से, इतफाक से हम मिले थे एक डिनर पे कहीं निकट ही, और वो मैंने उनको बताया कि हमारा आज इवेंट हो रहा है, तो उनने कहा किन किन को बुला रहे हो, तो मैंने कहा आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्रियंका चहर चौधरी को हम बुला रहे हैं। ही फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। मगर मैं ये जरूर पूछूंगा आपसे कि उदारिया से आपने सफर शुरू किया, और फिर आपकी ये दोस्ती अंकित गुप्ता के साथ भी बनी, जिसके अभी तक चर्चा हो रही है, अभी हाल ही में आपका वीडियो भी आया है उनके संग। गॉट अ लॉट ऑफ लव फॉर इट। हाउ, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दैट वीडियो? फर्स्टली, दैट वीडियो इज अ वेरी क्यूट वीडियो, और मेरा रिएक्शन यही था कि फैंस को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग ना ऐसे चाहते कि मैं और अंकित मतलब जिंदगी भर के लिए साथ रहे। सो आई वॉज हैप्पी फॉर माई फैंस कि दे विल लव इट फॉर श्योर। सो या, आई फेल्ट रियली गुड अबाउट द वीडियो। मगर वो भी आपको मिस कर रहे हैं। मैं जुनूनियत की शूटिंग में गया था अभी। अच्छा। चंडीगढ़ के पास जहाँ हो रहा है, और मैंने पूछा तो ही सेड यस आई एम मिसिंग हर बिकॉज वी वर्क सो मच टुगेदर दैट ही सेड इट फील्स स्ट्रेंज नॉट टू सी एट द वर्क प्लेस। तो आप आज, मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगा, क्या आप भी उनको मिस कर रहे हैं मुंबई? आई डू मिस हिम, एंड यू नो वॉट, कब मैं उसे सबसे ज्यादा मिस करती हूँ, वेन आई एम ऑन कॉल विद हिम, एंड वो बोलता है कि मैं शॉट के लिए जा रहा हूँ। तो क्या होता था ना कि पिछले 2 साल से मैं और हम दोनों साथ में शूट करते थे, तो हमारी वो आदत से बनी हो गई थी कि यार साथ में ऐसे शॉट में जाना, बिकॉज हमारे ज्यादातर सीन साथ में ही होते थे, तो हम सीन्स में साथ में जाते, तो जब ऐसे बोलते हैं मेरा शॉट रेडी है, सो आई एम लाइक ओ माई गॉड, हम तो साथ में ही शूटिंग करते थे ना। तो आई मिस दैट दोज मोमेंट्स, एंड आई एम लाइक यार आई मिस इट। सो डेफिनेटली आई मिस हिम, एंड प्लस आदत से भी हो गई थी, फिर बिग बॉस में भी हम साथ में थे, सो दिस इज फर्स्ट टाइम कि वो चंडीगढ़ में, आई मीन मुंबई, बट येस इट्स फाइन, लाइक वर्क कम्स फर्स्ट। कुछ और महिलाओं को लेके मुद्दों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके संग, मगर व्हाट्स नेक्स्ट फॉर प्रियंका, कुछ बता सकते हैं आगे आगे क्या आ रहा है? क्या आप खतरों से जूझने वाली हैं, खतरों के खिलाड़ी में? वेट एंड वॉच। कुछ अभी बताएंगे नहीं, मगर कुछ और कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी चीजें अभी चल रही हैं, पर जब तक कुछ भी मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती, अनलेस अंटिल कुछ श्योरिटी हो जाए, बट येस डेफिनेटली कुछ अच्छा ही आएगा, तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स। और जैसे आप बता रही थी कि सोशल मीडिया पे आपके पास इतनी फॉलोइंग है, सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो बहुत लोग कहते हैं
उसके बारे में भी सकारात्मक चीजें, इट कैन हेल्प अ लॉट ऑल्सो, बट नकारात्मक भी हो सकता है, लॉट ऑफ ट्रोलिंग वगैरह भी होती है सोशल मीडिया पे. तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया के विषय पे? डू यू बिलीव इट्स अ बून और अ बेन? एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और आप किस हिसाब से डील करती हैं सोशल मीडिया? आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू डील विद इट. हाउ आई डील विद इट, इट्स वेरी नॉर्मल. मुझे ट्रोलिंग का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता. आई मीन, ठीक है ना, कम से कम बात तो हो रही है ना, बात करो, वो बनता है. मतलब बात करो, अच्छी करनी है बुरी करनी है, आपको जो लगे आप अपने अकॉर्डिंग बात करो, बात अपनी हो रही है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. एंड ट्रस्ट मी, सोशल मीडिया मेरे ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होता है. लोग, मैंने खुद देखा है कि लोग ट्रोलिंग से इतने इफेक्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस तक हो जाते हैं. लाइक इट्स अ बिग वर्ड, बट आई हैव सीन दैट कि वो एंग्जाइटी से हो जाती है उनको कि यार ये क्या हो रहा है. बट इट्स फाइन, अगर आपको प्यार करने वाले हैं तो जरूरी नहीं है सब आपको प्यार करें. All right, so that is the We Women Want Festival live from Mumbai in Juhu Hotel. And joining us now from the spot is my colleague Sujata Dwivedi, who is at the Juhu Hotel in Mumbai where this extravagant festival is on. Sujata, if you can hear me, take us through what is going on. You are standing at the stalls, we can see. Take us through these stalls one by one. Well, definitely go. It's all up to you guys, so that's it. क्या आपको लगता है कि you know your fans can also be used to impact a change? कोई अच्छा cause हो, कोई अच्छा ऐसा विषय हो, तो उस दिशा में भी उनको direct किया जा सकता है. As in? For a cause, an issue, किसी campaign के लिए, तो social media can be used for such good things as well. Yeah, yeah, definitely. Social media आजकल एक बहुत अच्छा platform मैं मानती हूँ. I don't know इसमें, I'm sure कि negative sides भी हैं, but अगर आप देखना चाहो ना तो बहुत सारे positive sides भी हैं वहाँ पर. मतलब कोई भी खबर आजकल सोशल मीडिया पे पहले आती है, या कुछ भी चीज. एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, कि भाई कोई भी चीज को आप किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म आई गेस. इतने सारे लोग एक जगह पर मिले हुए हैं, व्हाट एल्स. तो आप इसको देखना चाहो तो पॉजिटिवली देख सकते हो टोटली. अब अगर हम बात करें टेलीविजन के बारे में, तो हाउ डू यू लुक एट वुमेन्स चेंजिंग रोल्स इन द टीवी इंडस्ट्री एज वेल? क्या आपको लगता है अब काफी अलग रोल्स भी आ रहे हैं फॉर वुमेन? ये पहले क्रिटिसिज्म होता था कि टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत रिग्रेसिव है, यू नो, ऐसे सीरियल्स में और ये सब दिखाया जाता है जो बहुत पुरानी सोच होती थी. बट क्या आपको लगता है अब चीजें बदल गई हैं विद दीज न्यू कॉन्टेंट नाउ? और क्या आपको ये भी लगता है कि अब महिलाओं को भी बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, बहुत वर्सेटाइल रोल्स मिल रहे हैं? डेफिनेटली, मुझे डेफिनेटली लगता है. वैसे मैं सच बताऊं, मैंने ना बचपन में हमें ज्यादा टीवी देखना अलाउड नहीं था कि कैसे, बट जितना मैंने सुना था, ऑफकोर्स अब तो पता ही है कि हाँ वो प्रॉपर टिपिकल ड्रामा आता था. लेकिन डेफिनेटली अब कंटेंट की अगर हम बात करें तो बहुत अलग है. लोग ज्यादा रियलिस्टिक पसंद करते हैं, ज्यादा अब देखा जाए तो ज्यादा टीवी ड्रामा नहीं इतना प्रेफर करते हैं. अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, अभी भी माइथो शोज आते हैं. बट अगेन, इट्स अ गुड थिंग, बट नाउ इट्स अ मिक्सचर. एंड डेफिनेटली अगर हम बात करें कि आजकल एक्ट्रेसेस को भी वर्सेटाइल, मतलब दे आर वेरी वर्सेटाइल ऑफकोर्स. एंड ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं जो कि पहले शायद ऐसा होता होगा कि नहीं यार ये तो हीरो, एंड हीरो नजर में है मतलब लड़का. नहीं, आजकल लड़कियां भी हीरो हैं. सो आजकल वो हीरो जो लड़कियां बनती हैं, वो कंटेंट जो चेंज आया है वो बहुत अच्छी बात है. आप इतने बखूबी से बोलते हैं, स्टैंड रखते हैं, इतना अच्छा बोल रही हैं, क्या राजनीति में भी जा सकती हैं आप भविष्य में? सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन ऐसा कुछ प्लान नहीं है. खुश हूँ यार मैं एक्टिंग में. क्या कुछ ऐसे दिन भी आए आपके करियर में, आपके जैसे स्ट्रगल के दिन जैसे आप बता रहे थे, जब आपको लगा कि शायद ये सपने नहीं पूरे हो पाएंगे, तो जो लोस थे उनको आपने, उनका सामना कैसे किया? ये भी बहुत अहम है कि दर्शक जाने, क्योंकि बहुत वो भी ऐसे परिस्थितियों के संग शायद जूझेंगे. उदय, अगर मैं इस बारे में कहूँ ना, तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वो पोयम थी ना जो बचपन में हम सबने पढ़ी होगी, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. और ये बात ना, वो पोयम जब से मैंने पढ़ी थी ना, तब से मेरे दिमाग में है. मैंने हमेशा ये चीज सीखी है कि अगर आपको आसमान छूना है ना,
तो बार बार गिरना भी पड़ेगा और उस चीज के लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं किस्मत से ज्यादा हार्डवर्क में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ है। मतलब हार्डवर्क अगर मैं कर रही हूँ, खुद पर विश्वास है मुझे, तो डेफिनेटली आई नो माई सेल्फ कि आज नहीं तो कल, पर मैं जाऊंगी जरूर। तो वो मेरा भरोसा, मेरा हार्डवर्क यही है जो मुझे अभी तक आगे लेकर जा रहा है, एंड डेफिनेटली यही चीज है। और स्ट्रगल देखो सबकी लाइफ में रहा है, मेरी लाइफ में भी रहा है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मैं एक्टिंग छोड़कर वहां गई थी जयपुर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब मैं शादी कर लूंगी, या क्योंकि फिर नंबर मेरा ही था, तीनों छह भाई बहनों में नंबर मेरा ही था, लेकिन मैंने मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि शादी कर लूं अभी या घर पे बैठ जाऊं, मुझे और काम करना था, इसलिए मैंने मेकअप का एक वो सोचा कि नहीं मैं मेकअप कर सकती हूं। तो हार नहीं मानी, लेकिन कुछ और चीज करने का सोचती हूं, लेकिन कुछ करने का जरूर सोचती हूं। तो यस, यही मेरा स्ट्रगल है कि हार नहीं मानना है, ठीक है गिर गए ना, इट्स फाइन, शायद अभी नहीं आप उतने कैपेबल हो, या नहीं अभी आपको आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो, आप उतना रिस्पॉन्सिबल बनो एंड यू विल बी देन देयर। एंड इवन आई एम श्योर इन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि उदारिया की शूटिंग मुंबई में नहीं हो रही थी, इट वॉज हैपनिंग इन दैट विलेज, यू नो मैं क्योंकि गया हुआ चंडीगढ़ के पास जी, वो खरर के आगे जाके जी, तो वहां भी इट मस्ट हैव नॉट बीन इजी बिकॉज दैट्स ऑल्सो मिडल ऑफ नोवेयर, तो टफ होता होगा। टफ होता था, लेकिन ना जहां काम है ना वहां मेरा मन वैसे ही लग जाता, और जब मैं कर्म भूमि पर हूं ना, पता नहीं मैं एक अलग ही लड़की हूं, मतलब बहुत एनर्जेटिक, बहुत हैप्पी मैं। इनफैक्ट मैं बताऊं, बिग बॉस में भी चाहे भले ही लड़ाई झगड़े हो, कभी मुझे वो चीज ना ऐसे वो नहीं किया कि ओ नो क्यों लड़ाई हो गया, अरे इट्स फाइन लड़ाई हो गई, तो कर्म भूमि पे हूं, बिग बॉस में भी ना लड़ूं तो क्या ही करूंगी। तो एनीवेज, तो जब मैं कर्म भूमि पे होती हूँ ना, चाहे वो कहीं पर भी हो, मेरे लिए तब वो जगह मैटर नहीं करती, मैं अपने काम पर हूं, मैं खुश रहती हूँ, एंड आई वाज हैप्पी देयर, चाहे वो कहीं एक गांव में हो, चाहे सबसे रिश्ते नाते वहां से टूट रखे हों और हम सिर्फ शूटिंग कर रहे हैं, बट आई वाज हैप्पी। कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि टायर्ड हो जाते थे, सोने को नहीं मिल रहा है, बट इट्स फाइन एट द एंड, अगेन हार्ड वर्क पेज ऑफ। How are Ravi Dubey and Sargun Mehta as mentors, as your first producers? They are lovely people. I just love them. Trust me. मतलब वो दोनों वो power couple बोलती हूँ मैं उन्हें, जो I think पता नहीं कौन सी ऊंचाइयां छुएंगे वो लोग, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इतना support करते हैं, इतना motivate करते हैं, and दोनों अपने आप में मतलब perfect हैं। तो सोचो मतलब अपने आप में परफेक्ट हैं, तो लेकिन जब वो दोनों मिले हैं तो वो परफेक्शन किस लेवल पे जाएगा, ये दोनों रवि और सरगुन हैं। सो आई जस्ट लव देम बोथ ऑफ देम। बिग बॉस के बारे में आप बता रहे थे, तो एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि बिग बॉस से क्या सीख मिली आपको जो आप असल जिंदगी में अब अपनाएंगे? अच्छा, मुझे तो लगा मैं बिग बॉस में कुछ सिखा के आई हूं। वो शायद वो कहें कि जो प्रियंका ने सिखाया वही हम। बिग बॉस में वैसे ये चीज मुझ में पहले भी थी, पर अब शायद थोड़ी सी ज्यादा है कि यार मैं सच बताऊं, जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं सिर्फ बोलने को बोल देती हूँ, पर एज सच पेशेंस मैं बोल दूंगी कि पेशेंस मैंने जरूर सीखे हैं। थोड़ा एक चीज मैंने जल्दी बहुत अच्छी सीख ली है, वो ये है कि मैं मेकअप बहुत जल्दी कर लेती हूँ। 10 मिनट और 15 मिनट एंड आई विल बी रेडी। बाकी तो यार ठीक है, आप बिग बॉस में अलग से कुछ नहीं सीखोगे, आप अपनी लाइफ में ही सीखते आते हो, जो कि मेरी लाइफ का ही पैटर्न है कि मैं अपनी लाइफ में ही सीखते आती हूँ, उसके लिए मुझे बिग बॉस के घर जाना या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस से काफी सीखती हूँ। वहां पे पेशेंस मैंने जरूर सीखे कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, एंड आई गेस दैट्स इट। हाउस में किसी से आर यू इन टच रेगुलरली? नॉट रियली, येस नॉट ऑन रेगुलर बेसिस बेसिकली। वाई? क्योंकि सब बिजी हैं, अभी घर से बाहर आए हैं, सब काम में लगे हुए हैं, तो सब बिजी हैं, बट येस डेफिनेटली मेरी अर्चना से बात हो जाती है बीच बीच में, टीना से बात हो जाती है, तो इन दोनों से ज्यादा होती है, बाकी तो फिर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब एनी वेज एवरीबडी इज वर्किंग। मेकअप का जिक्र किया तो आपका स्टाइल भी आपकी स्टाइल की भी बहुत प्रशंसा होती है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, तो व्हाट इज योर स्टाइल स्टेटमेंट, आपके व्हाट डिफाइन्स योर स्टाइल? आई थिंक कॉन्फिडेंस। बहुत ही क्लीशे लगेगा सबको कि यही जवाब देते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैं जो भी पहनूं, मैं जो भी करूं, अगर मैं उस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं हूं ना, तो वो मैं पुल ऑफ ही नहीं कर पाऊंगी। तो आपके कपड़ों के साथ साथ आपको वो कॉन्फिडेंस भी वेयर करना पड़ता है टू लुक दैट ग्रेट एंड प्रीटी, एंड आई थिंक दैट इज द की।
आखिरी दो सवाल आपसे कि यू आर बीइंग ऑनर्ड टुडे फॉर बीइंग अ यूथ आइकॉन, तो यूथ को क्या कहना चाहेंगी आज आप? मैं यूथ से यही कहना चाहूंगी कि गाइज वही अगेन कि अगर आपको आसमान छूना है ना तो गिरना भी होगा, पर हार नहीं माननी. ट्रस्ट मी यू विल शाइन वन डे, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड ड्रीमिंग मोर. एंड आखिर में आज आप आइकॉन बन गई है बहुत लोगों की, आपके आइकॉन कौन थे, रोल मॉडल्स कौन थे असल जिंदगी? मैं बहुत सारे हैं क्योंकि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ ना, मुझे सीखने की बहुत ललक है, तो मैं एक पर्टिकुलर नहीं बोलूंगी, बट मैंने बहुत सारे जन से सीखा. मैंने प्रियंका चोपड़ा से सीखा है कॉन्फिडेंस. इफ यू टॉक अबाउट लाइक प्रियंका चोपड़ा, ओ माय गॉड, शी हैज लाइक अनदर लेवल कॉन्फिडेंस, सो आई रियली लव हर. देन दीपिका पादुकोण, शी हैज क्लास. मैंने हर किसी से कुछ कुछ चीजें ग्रैब करने की कोशिश कर रही हूँ, सो शी हैज लाइक क्लास एंड शी इज वेरी लाइक पॉइज एंड ग्रेसफुल. देन आलिया भट्ट, ग्रेट एक्ट्रेस. सो बहुत सारे जन है, मेरा सच में कोई भी अगर मैं बोलूं एक नहीं, बहुत जन है जिनको मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा चाहती हूं कि यार एक दिन मैं भी वैसी बनूं. सो यस, आपके बहुत जन हैं मगर कुछ लोगों के सिर्फ आप ही हैं आइकॉन. तो वंस अगेन आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एट आवर फेस्टिवल एट आवर कॉन्क्लेव एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू सो मच उदय, थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच उदय फॉर दैट सेशन. प्रियंका, आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे बैक ऑन द स्टेज. वी आर ऑल्सो इन्वाइटिंग Mr. Karthikeya Sharma, Member of Parliament, Rajya Sabha and founder ITV Network, and also Srimati Shakti Rani Sharma, Mayor of Ambala, to give out the We Women Want Shakti Award 2023 to Priyanka Chahar Chaudhary for being a youth icon. A huge round of applause for Priyanka. It was honestly a very refreshing session with you. You've spoken from the heart and I believe that is what resonates with the people, sir. Priyanka Chahar Chaudhary receiving the We Women Want Shakti Award 2023. Thank you so much, Priyanka, for joining us, and we're very happy about the fact that we've been the first ones to give you the award. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.